व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं टैक्सी लाइफ सिमुलेटर। तो इस गेम में मैं हूँ एक टैक्सी ड्राइवर, और एक टैक्सी ड्राइवर का काम क्या होता है, मुझे लोगों को उनके लोकेशन से पिक करना है और उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक उन्हें ड्रॉप करके आना है। अब इस काम में मेरी ड्राइविंग स्किल्स जितनी अच्छी होगी, मेरी गाड़ी चलाने की स्पीड जितनी अच्छी होगी, और ओवरऑल मेरी गाड़ी जितनी अच्छी होगी, मुझे उतना पैसा मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या मैं अच्छे से टैक्सी का काम करके बहुत सारा पैसा इस गेम में कमा पाता या फिर नहीं। All right guys, welcome to Taxi Life Simulator। वैसे जो व्हाइट वाली कार है, ये अपनी गाड़ी होने वाली है क्या? टैक्सी के हिसाब से तो काफी ज्यादा अच्छी कार है। ठीक है, अपना करियर स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोफाइल नेम, हमारा नेम हम लोग रखने वाले टेक्नो। मॉडल सिलेक्ट कर सकता हूँ भाई मैं यहाँ पर, शक्ल वाइज तो ये तो बूढ़े अंकल है, यही ठीक है, थोड़ा सा जवान लड़का दिख रहा है, अच्छा रहेगा। कंपनी नेम क्या रखे, सुपर डुपर। लोगो सिलेक्ट करना है मैं अपनी कंपनी का। वैसे देखा जाए तो सारे के सारे लोगो ही थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। ये वाला लोगो अच्छा है भाई, फर्स्ट वाले लोगो ज्यादा अच्छा लग रहा है, सिलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी के कलर्स भाई देखो, येलो ब्लैक कलर ही मुझे सही लग रहा है, तो इसे फाइनल करते हैं। ओ भाई, मैंने थोड़ा सा लोगो चेंज कर दिया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। ओके, तो गेम अपना चालू हो चुका है, बट टैक्सी सर्विस करने से पहले हमें थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आनी चाहिए। अब गेम वालों को हमेशा लगता है कि मैं नोबू, बट ऐसा नहीं है, मुझे गाड़ी चलानी आती है, तो मुझे इन्हें थोड़ी सी गाड़ी पार्क कर दिखानी है, जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि टू स्टार्ट ड्राइविंग टर्न ऑन द इंजन बाय प्रेसिंग वाई। ओके, इंजन भी इन लोगों ने ऑफ करके दिया है मुझे, नाइस। गाड़ी चालू हो चुकी है, मुझे ड्राइव पे डालना पड़ेगा। ओके, नहीं डालना, सीधा गाड़ी आगे चलेगी। ओ भाई, क्या पिकअप है गाड़ी में, मुझे लग रहा था भाई टैक्सी वैक्सी है थोड़ी। ओके, तो नेक्स्ट टास्क है कि मुझे गाड़ी को वहां पे ले जाके पार्क करना है। भाई स्टीयरिंग क्या मस्त घूम रहा है, देखो यार क्या क्वालिटी है। लेट्स गो, को गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देते हैं आराम से। थोड़ा एक मिनट रुको, मैं व्यू भी चेंज कर सकता हूँ। वैसे मैं गाड़ी को थोड़ा पीछे करके पार्क कर देता हूँ, नाइस। हाँ, ये जो बंदा है शायद से ये हमारा ट्रेनर है, गाड़ी सिखाने में लगा हुआ है, और ये कह रहा है कि जब भी तुम शहर में मतलब राइट लेफ्ट लेते हो तो तुम्हें इंडिकेटर देने होंगे, जैसे कि देखो ये राइट इंडिकेटर है, लेफ्ट इंडिकेटर है। यानी गेम में पुलिस वुलिस हमारा चालान तो काटने वाली है, तो हमें सारे के सारे रूल्स एकदम मस्त फॉलो करने होंगे। फिलहाल जो भी अपना नेक्स्ट टास्क क्या है मुझे पता नहीं भाई, एक मिनट रुको, ये काफी सारे कंट्रोल्स है क्या। ओके, तो ये राइट लेफ्ट का व्यू देखने के लिए बोल रहा था। You know the basics. Oh, भाई बस बस, now you can try the car. ठीक है, अभी चुप रहे। Ready for the exam, तो अभी तो ये जो अपना ट्रेनर था, इसने हमें गाड़ी के काफी सारे बेसिक समझा दिए हैं कि हम लोग गाड़ी को पूरा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पैसेंजर आता है जिसे रेडियो चाहिए गाड़ी में, तो मैं उसे ऑन ऑफ कर सकता हूँ, चैनल चेंज कर सकता हूँ, एसी बंद चालू कर सकता हूँ, विंडोज को मैं खुद से अप डाउन कर सकता हूँ। तो बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो मैं आगे बैठे बैठे कर सकता हूँ गाड़ी के। फिलहाल उसने अभी मुझे बोला है कि मुझे गाड़ी को इस कर्व पे एकदम आराम आराम से लेकर जाना है और यहाँ पे लाके पार्क करना है। भाई गाड़ी के जो ठीक है मैकेनिक्स काफी रियल फील हो रहे हैं भाई, मुझे इस गेम को स्टीयरिंग लगा के खेलना चाहिए। ओके, तो अभी मुझे ये गाड़ी पार्क करना सिखा रहा है, बट इसे लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल ही नूब है। हो गया, ओके ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर जाने के लिए बोल रहा है। भाई इतना ड्राइविंग टेस्ट मत लो यार, मेरा इतनी तो आती है मुझे चलानी। ये लो भाई, लाके मैंने यहाँ पे पार्क कर दी। ठीक है, खुश है। ओके, मुझे यहाँ पे पार्क करने ले, हो गई। जब तक ये बोलता है उससे पहले मैं गाड़ी वहाँ पे ले जाके पार्क कर देता हूँ, और अभी इसने मुझे वहाँ पर जाने के लिए बोला, नाइस। ये मैं इसे यहाँ पे लाके इजीली, ओ ओ ड्रिफ्ट मारी भाई, ये ले। ठीक है, चल अभी मुझे यहाँ पे पार्क करना है। राइट पोजीशन एंड मूव बैकवर्ड स्लोली। चलो, गाड़ी पार्क हो गई है। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। चुप, निकल यहाँ से, बहुत ज्यादा पंचायत कर रहा है। यू नीड टू ड्राइव योर ओन कार इन अ रियल सिटी। ओ भाई, लेट्स गो। अभी हम लोग ना देखो टैक्सी में आ चुके हैं। पिक अप अ क्लाइंट एंड चुप रहे by pressing the map button. Okay. This is where you can find available jobs. ठीक है। Using the steering buttons, choose the icon. तो ये जो map है, इसके थ्रू मैं पता कर सकता हूँ कि कहाँ पर driver, मतलब कहाँ पर कोई passenger available है। जैसे कि अभी अपनी गाड़ी है यहाँ पर, और इधर एक बंदा मुझे दिख रहा है। Let's go, guys. गाड़ी में आ चुके हैं, गाड़ी start कर ली है, फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने first. एक से आराम से फर्स्ट पैसेंजर को पिक करने, जल्दी से गाड़ी में भगा लेता हूँ यार। एक तो ना पतली सड़कें हैं, ये बार्सिलोना सिटी है, मैं यहाँ पर एक बार रियल लाइफ में गया हूँ, सच में भाई यहाँ की सड़कें हैं तो पतली काफी। बट ठीक है, तुम्हारा भाई ड्राइविंग में एक्सपर्ट है, मैंने शायद से रेड लाइट तोड़ दी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं मैप को फॉलो कर रहा हूँ। पता नहीं मेरा चालान कटेगा या फिर नहीं कटेगा, वो बाद में देखा जाएगा, अभी तो पैसा है ही नहीं भाई, काटोगे क्या। ओए ओए,
मुझे पता नहीं मेरी गाड़ी को डैमेज पहुंचा या फिर नहीं, बट हाँ आज तो अरे यार पहुंचा है। मेरे को गाड़ी पीछे से पता नहीं गंदी हुई है, टूटी हुई है, पता नहीं भाई। ये गाड़ी उतनी ज्यादा बढ़िया है नहीं जितनी मैं सोच रहा हूँ। अब देखो जैसे मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना है तो मैं लेफ्ट इंडिकेटर मारूंगा, और मुझे ना यार लेफ्ट वाली लेन में भी रखना चाहिए। मैं सच में अभी गाड़ी सही तरीके से चला नहीं रहा हूँ। अरे रेड लाइट कब खत्म होगी यार? ऐसे तो मैं बहुत लेट पहुंचूंगा यार अपने बंदे के पास। ओके ओके ग्रीन हो गई। चलो 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 यार, मुझे ना ट्रैफिक रूल्स अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। मैं बिल्कुल GTA की तरह यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकता, एक्सीडेंट होंगे, पुलिस पकड़ेगी, मार पड़ेगी। और वेट, ये वन वे रोड था, मैं यहाँ पे गाड़ी उल्टी ला चुका हूँ। मैं सच बता रहा हूँ मुझे पुलिस मारने वाली है, दिख गई तो। रुक जाओ भाई, एक बार ना गाड़ी को आगे से एक यू टर्न मारता। ओ वाह क्या ड्रिफ्ट मारी है। अरे वेट, ये क्या हो गया भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा है, गाड़ी बहुत खराब क्वालिटी की है या फिर इसमें कोई डोनट मोड एक्टिवेट हो गया था। पूरी गाड़ी ड्रिफ्ट मारे जा रही थी भाई। चलो लेट्स गो, मैं अपने फर्स्ट पैसेंजर के पास पहुंचने वाला हूँ। थोड़ा ही दूर बचा है वो, यहाँ से बस सीधा जाते जाना है। मुझे ना मैप पूरा अच्छे से देखना है, अगर मैं मैप नहीं देखूंगा तो मैं हर बार रॉन्ग वे चले जाऊंगा। यहाँ से राइट लेना है, राइट इंडिकेटर डाला एंड यहाँ से गाड़ी राइट ले ली। ओके हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट पैसेंजर के पास, बट यहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़ेगी। मैं इंडिकेटर देख रखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से राइट मुड़ना आगे चल के। और ये क्या आया, मुझे लगा भाई कोई स्पोर्ट्स कार आ गई, बटे तो नॉर्मल गाड़ी थी। लेट्स गो, ग्रीन लाइट हो चुकी है, फटाफट से गाड़ी को आगे लेते हैं राइट मोड़। अरे चला ले भाई, क्या कर रहा है? हट यहाँ से, तेरे को चलानी आती है नहीं। आ भाई ये खुद उसने हरकत करी है यार। चलो ठीक है, पहुंच चुका हूँ मैं। ओ मैम फर्स्ट कस्टमर आ चुका है हमारी गाड़ी में बैठने के लिए, एंड देखते हैं कि आखिर इसे कहां पर जाना है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो पैसेंजर गाड़ी में आकर बैठते हैं वो हो सकता है तुमसे बात करें, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर तुम अच्छे से बात करते हो सकता है कि वो तुम्हें राइड के एंड में बहुत अच्छी खासी टिप दे दें, मतलब एक्स्ट्रा पैसा दे दें, तो बहुत सही सीन रहेगा। फिलहाल अभी मुझे आगे से लेफ्ट लेना है। और भाई कितनी पास आना था, इसको पैदल चल के आ जाती। वैसे ठीक है यार, मेरा नुकसान थोड़ी अच्छी बात है, बट गाड़ी में बैठ के आ रही है, मेरे को पैसों की कमाई वमाई हो जाएगी इसी बहाने थोड़ी। आराम से बस इसने मुझे कितने पैसे दिए? ओके ठीक है, 100। कांग्रेचुलेशंस, नाइस 100 यूरो। चलो गेम अब चालू हो चुकी है, ट्रेनिंग हमारी आज कंप्लीट हो गई, अब हमें पूरा गेम खुद से खेलना है। वो जो चपड़ चपड़ कर रहा था वो भी यहाँ से जा चुका है। और एक तो ये जो होता है ना बार बार हैंड ब्रेक होती है, मैं गलती से ना बार बार हैंड ब्रेक मार दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर गाड़ी लाके पार्क करनी है। ये कार वॉश है क्या? ये तो फ्यूलिंग वाला है, यहाँ पे गाड़ी लगाए थे। ठीक है तो मुझे गाड़ी में फ्यूल भरवाना है, वैसे ऑलरेडी काफी अच्छा खासा भरा हुआ है, तो थोड़ा बहुत फ्यूल भरा लेते हैं भाई, 72% करवा लेते हैं, बाद में आ जाऊंगा दोबारा से भरवाने। चलो फ्यूल भर चुका है, अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी गाड़ी भी धुलवा लूँ। गाड़ी ऑफ हो गई थी, आराम से ले जाना भाई। पीछे बंदे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना पीना कर रहे हैं अपना। यार मेरी गाड़ी गंदी तो है नहीं, मैं खाली पीली धुलवाने क्यों जा रहा हूँ यार। चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं। 100 यूरो की कमाई हुई है तो ऐसा कुछ खास नुकसान नहीं होगा। डन, तो गाड़ी देखो यार पूरी की पूरी चमक रही है। इसको करवाने के चार्जेस ऐसा कुछ खास नहीं है, 1 यूरो तो यार करवा दो भाई, एकदम चमकती रहनी चाहिए भाई गाड़ी, 100% चमकनी चाहिए। बढ़िया, तो आगे से लेकर पीछे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक गाड़ी की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। बढ़िया, बट मुझे लगता नहीं है कि गाड़ी 100% क्लीन हुई है, क्योंकि वो ना मेरे को लग रहा है थोड़ी डैमेज हो गई है पीछे से, जब वो ठुकी थी तो उसमें डैमेज आया होगा। चलो तो गाड़ी का इंजन चालू करते हैं, गाड़ी को यहाँ पर पीछे निकालते हैं। चालू हो भाई, तो एक बार मैप ओपन करके देखता हूँ यहाँ पर। ये देखो कितनी सारे यहाँ पर राइड्स अवेलेबल है, एक तो मेरे बहुत ज्यादा पास है, इसके पास चलते हैं। ओ मैं पहले ही पता कर सकता हूँ कि ये जो बंदा मुझे कितने पैसे देने वाला है, तो ये मुझे 475 यूरो देगा। और ये जो है, ओ ये देखो ये 143 दे रहा है, ये वाला जो है मुझे 332 दे रहा है। ऑरेंज वाले का मतलब क्या है भाई? अच्छा इजी है, जिनको दूर जाना जो ज्यादा पैसे दे रहे हैं वो ये सब लोग हैं। तो वैसे गाइस ये देखो किसी किसी जगह पर स्पीड कैमरास भी लगे हुए हैं, तो मुझे इन सब चीजों का ध्यान रखना है यार। ठीक है तो भी कोई ऐसी राइड पकड़ता है जो अच्छा खासा हमें पैसा दे रहा हो, तो ये जो बंदा ये 332 दे रहा है, एंड ये जो लेडी है ये मुझे 439 दे रही है, तो इसके पास चलते हैं, पास भी है। और मैं एक बार में दो लोगों को भी पिक कर सकता हूँ क्या? ये एक बार ये ट्राई करते हैं, क्या पता। बट यार उस केस में अगर ऐसा हुआ ना कि एक को कहीं और जाना है दूसरे को कहीं और, तो कोई एक बंदा जो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा और बाद में वो मुझे बहुत कम पैसे देगा। बट ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी फटाफट से गाड़ी को लेकर चलते हैं। यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ फुल स्पीड में। यार वैसे इन फ्यूचर जब हम थोड़ा बहुत पैसा कमाकर बढ़िया गाड़ी ले लेंगे ना तो और मजा आएगा भाई गाड़ी चलाने में। अभी तो ये देख रहे हो कैसे टूटी फूटी हो रखी है गाड़ी पीछे से। पक्का यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी शॉप तो होती होगी जो गाड़ियां रिपेयर भी करती होगी, टाइम मिलेगा तो एक बार वहां का भी चक्कर लगा लेंगे। फिलहाल अभी टाइम की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है पैसों की, पैसे भी नहीं है ना ज्यादा की गाड़ी रिपेयर करा ले। अरे यार हटाओ यार, ये लोग अपनी गाड़ी ना यहाँ पर लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ से लेफ्ट साइड, ओके चलो ग्रीन लाइट हो गई, से मुझे बस अपनी गाड़ी को लेफ्ट यू टर्न मारना है और मैं आ जाऊंगा अपने इस पे फर्स्ट पैसेंजर पे। मैंने लास्ट वाले को भी तो यहीं से कहीं से पिक करा था, कोई फेमस जगह क्या? ओके ठीक है,
तो यही है वो लेडी जो कि हमारे साथ गाड़ी में बैठकर जाने वाली है। 339 समथिंग ये डॉलर दे रही, यूरो, डॉलर नहीं यूरो। तो ठीक है, इसकी डेस्टिनेशन तो मुझे नहीं पता, बट ओए भाई ध्यान से चलानी होगी गाड़ी, कोई बंदा बंदा ठोक दिया ना तो आज ही अपनी जॉब छिन जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ। तो एक बंदे को हमने यहाँ से पिक करा है, दूसरा जो बंदा है वो सामने की तरफ में है। नहीं, मुझे इसको यहाँ से 2000 मीटर दूर छोड़कर आना है, जो कि ज्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर है, ऐसे 2000 बोलने में ज्यादा लग रहा है। और ये क्या भाई, सॉरी ये मेरे से बात करना चालू कर रही है, इसका रिप्लाई करते हैं। मतलब क्या गाइस, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं अच्छे से इससे कैसे हम लोग उससे थोड़ा रूड होके बात कर रहे हैं। मैंने उसे उल्टा रिप्लाई कर दिया, हमने खाली पीली बहस कर ली अपने पैसेंजर से और अभी हमने अपना ही नुकसान करवा लिया। पता नहीं मैंने क्या उल्टे सीधे 2 रिप्लाई दे दिए भाई, बहसबाजी हो चुकी है। बट ठीक है, गाड़ी चलाने से मतलब रखते हैं, इस बार टिप नहीं मिली कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे इस चीज का। भाई मैंने क्यों उस तरीके से गाड़ी ठोकी यार, आगे से भी देखना गाड़ी की चटनी बन चुकी है यार। मैं सचमुच में बहुत ज्यादा खराब तरीके से गाड़ी चला रहा हूँ कहीं पर। ओह, फेल टू कंप्लीट आस द क्लाइंट्स पेशेंस हैज रन आउट, ड्राइव केयरफुली नेक्स्ट टाइम। हमने बहुत लेट कर दिया और वो हमें छोड़कर जा चुके। एक मिनट रुक जाओ, सामने कोई तो पैसेंजर है, मैं रुक जाओ मैप में दोबारा से चेक करता हूँ। मुझे यार अभी ना एक सही तरीके से राइड करनी है। ये बंदा मुझे 532 दे रहा भाई, इसके पास चलते हैं। मुझे इस बंदे को एकदम सही तरीके से पहुंचाना है, थोड़ा सा घूम कर आना पड़ेगा क्योंकि ये जो हाईवे है ना यहाँ पर यू टर्न बहुत ज्यादा आ गया है। रॉन्ग वे में जा नहीं सकता क्योंकि मुझे ना इस शहर में अगर गाड़ी चलानी है तो मुझे अच्छे से गाड़ी चलाने की आदत डालनी होगी। और वेट, ये देखो भाई, पुलिस 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 पुलिस। मैं ये कह रहा था अपना स्पीडिंग टिकट कट चुका है, 25 यूरो का चालान हो गया भाई, कैमरा लगा हुआ था वहाँ पे स्पीड वाला। एक मिनट रुको यार, बहुत छोटी मोटी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा भाई इस गेम में अगर रहना है तो, सरवाइव करना है तो। चलो 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 चलो, ग्रीन लाइट हो गई है, यहाँ से मुझे गोल चक्कर मारना है। अरे चला लो यार, ये लोग ना कभी कभी अचानक से धीरे कर लेते हैं यार, ये देख क्या कर रहा है यार, ये मेरी गलती नहीं है भाई। क्या यार, पूरी गाड़ी कैसी तैसी हो चुकी है, भाड़ में गई रेड लाइट। मैं जा रहा हूँ सीधा उस बंदे के पास, उसे उठाते हैं अच्छे से ड्रॉप कर कर आते हैं। 500 यूरो जो मिलेंगे ना उन 500 यूरो से, पीछे एक और स्पीड कैमरा था, मैंने जितना कमाया था सारा उड़ रहा है मेरा। तुम मानोगे 100 यूरो मैंने कमाए थे, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 17 बचे हैं। चलो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर मैंने ये राइड सही तरीके से कर दी ना तो मुझे टोटल 500 समथिंग यूरो मिलने वाले, 500 से भी ज्यादा है। तो यहाँ से बाइक को लेते हैं राइट, रेड लाइट पे रोक लेते हैं थोड़ा आराम से। भाई देखो रेड लाइट पे एकदम रुकना अच्छी बात होती है। अरे गाड़ी अपने आप को हैंड ब्रेक नहीं लगाई क्या मैंने? चलो ग्रीन लाइट हो चुकी है, मैं एकदम आराम से जाता हूँ। यहाँ से राइट लेना है मुझे कि आगे वाले? ओके यहीं से लेना है। अरे रुक 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 रुक, ये इधर की तरफ है। चलो आओ सर, इसको शायद से मुझे कहीं बहुत दूर लेकर जाना है, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे भाई इस बंदे से। हेलो, इसको रिप्लाई कैसे करूँ मैं? रिप्लाई करने का आया ही नहीं, ये स्पीड ब्रेकर है भाई। यहाँ भाई इस गेम में कितनी सारी डिटेलिंग है यार, गाड़ियों को लेकर कैमराज, स्पीड ब्रेकर और भी बहुत सारी चीजें है भाई। अगर मैं स्पीड ब्रेकर पे तेज निकालूंगा ना तो जो मेरा पैसेंजर है उसे अंदर कंफर्ट नहीं मिलेगा, तो मुझे एकदम तमीज में चलानी है। यहाँ पर एकदम आराम से लेते हैं राइट। भाई तुम मानोगे मुझे आना इसी रास्ते पे, बट यू टर्न इतना ज्यादा आगे से पूछो मत यार, तो मैं ऐसे रूल भी नहीं तोड़ सकता क्योंकि इस बारी मुझे पूरे के पूरे पैसे वसूलने हैं। तुम मानोगे वहीं पर जाने के लिए मैं कितना बड़ा चक्कर काट के आया हूँ। तो यहाँ से अपनी गाड़ी पूरी पूरी मोड़ते हैं। अरे वेट, थोड़ा सा रिवर्स लेना। एक मिनट बे, मेरी गाड़ी में 3 लोग बैठे। अच्छा, ये 3 लोगों ने टैक्सी बुक करी है। ऐसा नहीं होता कि एक बार में एक ही बंदा अगर बैठता है, अगर 3 लोग है तो 3 लोग भी चलते हैं साथ में, जैसा नॉर्मली रियल लाइफ में होता है। बाय द वे यार, गाड़ी के सस्पेंशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं यार, इतनी ज्यादा बुरी गाड़ी नहीं है अपनी। ओए ओए ओए, बच गया भाई, वो बंदा रोड क्रॉस कर रहा था और मैंने गाड़ी रोकी नहीं थी, उड़ जाता अभी वो। ज्यादा दूरी ने छोड़कर आना नहीं है, थोड़ी तमीज में चला लेता हूँ भाई, बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा मैं। अरे यार, एक तो ये जो रेड लाइट लगती है ना गाइस, मेरे को नहीं अच्छी लगती सचमुच में, बहुत ज्यादा दुख होता है। यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है, इंडिकेटर मार के रखते हैं। गाड़ी ठुकनी नहीं चाहिए भाई, गाड़ी ठुकती है ना तो पैसेंजर्स को गुस्सा आता है। अरे क्या हो रहा है सामने, किस बात का ट्रैफिक लगा हुआ है? एक मिनट रुको यार, मैं ना थोड़ा सा अभी रॉन्ग वे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इस ट्रैफिक में नहीं घुसना। ओ भाई, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, मुझे पता नहीं था ऐसा हो सकता है। एक्चुअली सीन क्या हुआ है, मैंने ना गाड़ी रॉन्ग वे ली है, मुझे बहुत आगे से घुमा के लानी थी और स्पीडिंग का भी चालान कट चुका है। सारी गड़बड़ आज मैं कर डालूंगा, बट ठीक है मेरे पैसेंजर्स उतर के नहीं गए, वो गुस्सा हो गए कि तुमने रॉन्ग वे ली, बट ठीक है मैं, मेरे को ध्यान रखना होगा भाई आगे से, सच बताओ। वे पॉइंट में जो आ रहा है मुझे गाड़ी उसके हिसाब से चलानी होगी। बाय द वे ठीक है, मैंने इसको इसके डेस्टिनेशन पर नहीं अभी नहीं छोड़ा भाई, अभी तो दूर है, 1 किलोमीटर और बचा है। यार उसने मुझे बोला कि नेक्स्ट टाइम से तो मैं पैदल ही आ जाऊंगा अगर तुम इस तरीके के ड्राइवर शहर में है तो। अरे चला ले मेरे भाई, कितनी धीरे चला रहा है देखना भाई, 2 की स्पीड में चलाया क्या? लैम्बोर्गिनी उरुस जैसी गाड़ी ले रखी है और भाई साहब जी इतनी धीरे चला रहे हैं। चलो गाइस, यहां से डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर दूर है, ज्यादा दूर रह नहीं गई है अपनी लोकेशन। अरे अभी आराम से भिड़ जाती है अभी भाई, कितनी ज्यादा पतली पतली गलियां है भाई शहर में, देख रहे हो तुम, मतलब कहां से निकालनी पड़ रही है मुझे गाड़ी। आओ, सॉरी 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 सॉरी,
यार बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ रहते हो भाई अंकल, किस गली में रह रहे हो तुम? ठीक है, अगर अभी गाड़ी ठुकी ना तो मेरे 500 यूरो का नुकसान होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए एकदम आराम से चलाते हैं। हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। भाई ये मैप ना शॉर्टकट के चक्कर में कुछ भी दिखा रहा है भाई, पक्का कोई ना कोई अच्छा रास्ता होगा यार यहाँ पे आने का। ओए जर निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा है, गाड़ी आ रही रुकी नहीं रहे। चलो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इन लोग को लेकर, पता नहीं कितने पैसे मुझे देगा। ओह अच्छा फीडबैक आया, 532 यूरो हमें मिल चुके हैं, टिप भी दी उसने अलग से 53 की। शुरुआत में बंदा गुस्सा हुआ था बट ठीक है। नियरेस्ट टास्क एक मुझे दिखा रहा है 310 का, इसे भी ले लेते हैं। मुझे ना यार अपनी गाड़ी रिपेयर करवानी है यार, ये वाली जो राइड है मैंने बहुत अच्छे से कम्प्लीट करी है, तो ये जो नेक्स्ट मैं रॉन्ग वे नहीं ले जाना चाहता। रुको यार रॉन्ग वे नहीं लाते, आना देखो गाइस मुझे यहीं पर है, बट पूरी गाड़ी देखना कितनी घुमा के लाना पड़ेगा। तुम बस देखते जाओ, एक बारी यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से लेफ्ट लेना है, और एक तो इतनी पतली गलियां भाई पूछो मत। मुझे ये गेम सचमुच में स्टीयरिंग लगा के खेलनी पड़ेगी तब मैं अच्छे से खेल पाऊंगा। ये बटन से तो इतनी ज्यादा पतली गलियों में ड्राइविंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है। अब देखो मुझे आना यहाँ पर था, पर कितना ज्यादा घुमा के लाना पड़ा ताकि एक छोटा सा रॉन्ग वे ना लेना पड़े। बट यार रूल इज रूल, हम लोग आ चुके हैं। आ जाओ सर, दो लोग हैं लोग, अच्छे पैसे दे रहा था तो मैंने इसे बैठा लिया गाड़ी में, तो ठीक है ना ड्रॉप कर आते हैं यहाँ से, इन्हें शायद ज्यादा दूर नहीं जाना। वाह वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ से लेते हैं एक मस्त वाला लेफ्ट, अब खींचते हैं भाई गाड़ी फुल स्पीड में। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी डेस्टिनेशन है कहाँ पे भाई। भाई क्या पतली गलियां यार, कूड़े के डब्बे, इतनी तो गाड़ियां पार्क हो रखी है यहाँ पर, बंदा जाए तो जाएगा। चलो फाइनली मैं एक अच्छे रोड पर आ चुका हूँ, यहाँ पर भी रेड और ग्रीन हो गए, नाइस। नहीं नहीं ड्रिफ्ट नहीं ड्रिफ्ट नहीं ड्रिफ्ट नहीं, थोड़ी सी एक रेड लाइट थी गाइस मैंने तोड़ डाली है, जो की मैं रॉन्ग वे भी आ चुका हूँ। गाड़ी घुमा लेते हैं यहाँ से। यार मुझे ना थोड़ी गलियों में थोड़ा बहुत कभी कभी कंफ्यूजन हो रहा है, मैप ने वापस से वे पॉइंट कैच कर लिया है और यहाँ पर कोई रेड लाइट भी नहीं है, बंदा फालतू में रुका हुआ है। चलो ठीक है, अभी तुम्हारा भाई ना धीरे धीरे इस सिटी के हिसाब से यूज्ड टू होता जा रहा है, रस्तों को लेके मैं यूज्ड टू हो गया हूं, बट एक बातों के चक्कर में गाड़ी ठोक डाली। हाँ मैं यही कह रहा था कि रस्तों के लेके यूज टू हो गया हूँ, बट कैमरास का ध्यान नहीं रह रहा। दो मिनट यार, गाड़ी ना साइड में पार्क करो, एक बार पहले देखो भाई आसपास कोई ढंग की राइड है, मैं कहाँ पर हूँ उस समय। ओके तो यहाँ पर हूँ मैं और मुझे आसपास राइड्स तो मिल रही है, 325 279। इन लोग के पास जाने से पहले एक बारी मैं अपनी गाड़ी को लेकर सोच रहा हूँ गैराज जाऊँ, ये बेसिकली कार रिपेयर वाली जगह, यहाँ पे चलते हैं। यह एक काम करता हूँ, नहीं यार पहले एक आध ना राइड पकड़ लेता हूँ, क्योंकि अभी ना यहाँ से जो कार सर्विस वाली जगह वो थोड़ी बहुत दूर है, हो सकता है इसका ड्रॉप पॉइंट ही कुछ है वैसा हो जहाँ से कार सर्विस पास में हो। आई मीन अगर कोई गैराज वहाँ पर पास में होगा ना तो हम लोग गाड़ी भी रिपेयर करवा लेंगे, अपना पेट्रोल बचेगा। चलो तो ये भाई सब्जी के पास हम लोग आ चुके हैं टूटी गाड़ी लेकर, तीन लोग हैं। अरे यार क्या हो गया भाई गाड़ी को, चलो बैठो, इन लोग को अच्छे से ड्रॉप करना है, ठीक ठाक पैसे दे रहे हैं और शायद से इन्हें थोड़ा पास ही जाना है, बहुत पास जाना है भाई ने, तो सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर मतलब 1 किलोमीटर जाना है। ये भी अगर मैं सही से ड्रॉप नहीं कर पाया तो मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, तो तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं करेगा ऐसा, आई मीन अच्छे से ड्रॉप करेगा। ओह सॉरी सॉरी, ये कह रहा है कि भाई मरने का शौक है क्या तुमको, धीरे चला लो गाड़ी। मरने वरने का शौक नहीं है भाई, जेब में रखता है मौत को अपनी। अरे 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 भाई कितनी लंबी लंबी रेड लाइट होती है भाई शहर में। ठीक है यहाँ से हम लोग लेते हैं लेफ्ट एक बढ़िया वाला, फिर यहाँ से लेते हैं राइट। भाई क्या अजीबो गरीब गलियां भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है आधे ज्यादा। बंदे को सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर भी जाना होता है ना तो पता नहीं कितने ज्यादा हमें टर्न लेने पड़ जाते हैं। ये लो अब मेरे पास है ड्राइवर्स लाइसेंस, सॉरी तो गलती से इसकी स्कूटी आधे रोड में खड़ी हुई थी। तुम जिस शहर में रह रहे हो ना यहाँ पर भाई सांप जितनी पतली गली है। तो मेरी गाड़ी भी माशाल्लाह भाई, यार मुझे ना जल्दी से जल्दी कोई ढंग की गाड़ी खरीदनी है भाई। गाड़ी की ब्रेकिंग में मेरे को पता नहीं क्यों थोड़ा सा डाउट हो गया, देखना क्या हो रहा है, स्टीयरिंग मोड़ रखा है, गाड़ी मुड़ी नहीं रही। अबे भाई कहाँ जाना है, मैंने तो सोचा भी नहीं था इस गली में जाएगा तू। हाँ भाई इस गाड़ी को ना तेज मत ही भगाओ, बढ़िया है तेज स्पीड में अच्छे से टर्न होती है नहीं, इसलिए बेटर है भाई ऐसे ही चलाओ। ये पता है 40-50 की स्पीड में ही सही चलती है गाड़ी, जहाँ से तेज जाती है ना तो टर्न होने की वजह फिसलती है रोड पे, तो बेटर ये है भाई कम स्पीड में चलाओ, चालान भी नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और लो स्पीड में ना गाड़ी अच्छे से कंट्रोल भी जाते, तो ठिकने वाली सिचुएशन। ये देख रहे हो कब से ब्रेक मारी है, अब जाके रुक रही है। अरे मेरी रेड लाइट ग्रीन कब होगी, अगले जन्म में होगी। चलो ग्रीन हो गई भाई, कैसी पतली पतली गलियां हैं यार इस शहर में। डन भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, देख रहे हो क्या ढीली गाड़ी है यार, एक बार यहाँ पर लाके बस पार्क कर दूं। डन थैंक यू भाई, इतना खतरनाक लग रहा है ना मुझे गाड़ियां लेना, आई मीन ये राइड लेना। रुको एक बारी मैप ओपन करके देखते हैं, मैं जिस जगह पर आया हूँ यहाँ पर आसपास तो कोई गैराज नहीं है। भाई यहाँ पर सामने एक बहुत सही राइड मिली है, ले लेते चल के, 552 की है, शायद से इस बंदे को थोड़ा दूर ड्रॉप कर आना है, बट अगर मैं अकेले गाड़ी चलाता हूँ ना तो मैं बहुत तेज चलाता हूँ। ये देखो वैसे यार देखो तेज चलाने का फायदा है नहीं, गाड़ी में से ना अजीब अजीब साउंड आने लग गया, थोड़ी देर में ना गाड़ी पटाखा पुटुखा बच जाएगा और जो गाड़ी है वो भी जाएगी, नई गाड़ी खरीदनी।
भाई गई गाड़ी। बहुत ही छोटी टक्कर लगी थी सचमुच में, बहुत छोटी। ऐसे लग रहा है किसी ट्रेन के इंजन ने लाके टक्कर हमारे सामने। पुलिस पीछे पड़ गई। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो रखा भाई। बट मैंने क्या करा जो पुलिस मेरे पीछे पड़ी यार। अभी गाड़ी बंद होगी क्या? एक सेकेंड में क्लाइंट पे पहुंचने वाला हूँ, बट मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका है। द फ्यूल टैंक इज एम्प्टी, यूज द इमरजेंसी। ओके, इमरजेंसी फ्यूल वाले को बुलाना है क्या? ओके, मैंने गाड़ी में फ्यूल भरवा लिया थोड़ा सा, तो यहाँ पर से थोड़े से आगे करके गाड़ी रोकते हैं। बस पता नहीं कितना न्यू फ्यूल है। चलो, पैसेंजर को मैंने बिठा लिया है। और भाई ये गाड़ी सचमुच में पेट्रोल भी बहुत ज्यादा पीती है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। इस बंदे को मुझे 2 किलोमीटर दूर छोड़कर आना है, और पता नहीं गाड़ी वहां तक पहुंच पाएगी इतने फ्यूल में या फिर नहीं। एवरेज तो काफी खराब दे रही है, इतना मुझे पता चल चुका है। फ्यूल चाहिए मुझे अभी, क्योंकि पहले ना मुझे मैप में देखना पड़ेगा जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर तो भाई मुझे कोई भी फ्यूल वाला नहीं दिख रहा है। तो देखो जिधर से हम लोग जा रहे हैं उधर ना ये नियर बाय फ्यूल स्टेशन यही है, तो पहले यहाँ पर चलते हैं। ये जो बंदा है ना, इसे पहुंचने में थोड़ा देर होगा, बट अभी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई। ये गाड़ी अपनी दोबारा बंद पड़ने वाली है, मैं सही बताऊं तो। भाई अपनी गाड़ी का इंजन इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि भाई पूछो मत, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। एक बार आगे से गाड़ी राइट लू, एक बार फ्यूल स्टेशन पहुंच जाए ना, गाड़ी में फ्यूल डल जाए, उसके बाद बहुत तेज स्पीड में इसे मैं पहुंचा कर आऊंगा भाई। सेकंड में पहुंचा दूंगा, सच बता रहा हूँ। वैसे वेट, मैंने गलत टर्न ले लिया, फ्यूल के लिए मुझे सीधा जाना था, पर अभी मैं जिस तरफ जा रहा हूँ भाई वापस से कोई फायदा नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। 3, 2, 1 और ये पड़ गई गाड़ी बंद। अबे बिना पेट्रोल के जितनी चल रही है इसे चलाने देते हैं। अरे यार यहाँ पे रोकनी पड़ेगी। कार इज ब्रोकन, यूज द इमरजेंसी टैब इन द रिडायल मेन्यू। भाई देखो अपनी गाड़ी ना इस टाइम पर बिना फ्यूल के भाग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि इमरजेंसी में से एक फ्यूल डलवा लेते हैं, टो करवा दो क्या? ओ, मैंने गाड़ी टो करवा दी फ्यूल स्टेशन पे, बट जो पैसेंजर था वो नहीं आया। भर दे भाई, पूरा भर यार फ्यूल। कुछ गाड़ी वाड़ी चलानी नहीं आती हमें। अरे भरा नहीं क्या? अरे गाड़ी गई, खराब ही हो गई है। रुको, पहले मैं चला के जा रहा था, अभी मैं अपनी गाड़ी टो करवा के ले जाता हूँ किसी गैराज में। 50 यूरो और दे दो भाई। मैं सही बता रहा हूँ भाई, इतना तो मैंने कमाया नहीं है जितना मैंने गवा दिया है। चलो गाड़ी को रिपेयर करवाना है हमें सबसे पहले। फुल रिपेयर करो भाई, फुल रिपेयर करो अभी और क्या। तो मुझे क्या एक एक पार्ट पकड़ कर सिलेक्ट करने पड़ेंगे क्या? भाई सच में बहुत ज्यादा ही बुरा हाल करा था यार मैंने गाड़ी का। तो टायर से लेकर इंजन से लेकर गियर बॉक्स से लेकर गाड़ी के बॉडी पार्ट से लेकर हर एक चीज मैंने खराब कर रखी थी इस गाड़ी में। बट ठीक है, अभी धीरे धीरे हमने पूरी की पूरी गाड़ी सही करा डाली है। बढ़िया। कार्स में अगर मैं जाऊं तो क्या है, पार्ट्स को भी मैं अलग से पेंट वेंट करा सकता हूं क्या? ओ, हम लोग इसे अपग्रेड करवा सकते हैं, बट अभी अपने पास पैसा नहीं है तो मुझे करवाना नहीं है। इंटीरियर वगैरह गाड़ी में सब कुछ करवा सकते हैं भाई हम लोग। गाड़ी में बहुत सारे पेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं यार, ये करवा लेगा गाड़ी में। मैं तो सोच रहा हूं भाई गाड़ी का ये वाला कलर करवा देते हैं, सस्ता भी है। ओ भाई गाड़ी के बॉटम में हम लोग लाइट वाइट चेंज करवा सकते हैं, बहुत सही है भाई। तो ठीक है, अभी जो बाकी कस्टमाइजेशन है मैं बाद में करूंगा, फिलहाल अपनी जो गाड़ी है वो अभी रेडी हो चुकी है बहुत सही तरीके से। तो अब सब कुछ हो गया, तो हम लोग ने एक बढ़िया सी आज राइड कंप्लीट करते हैं। मेरे पास एक बहुत सही बंदा है, 346 यूरो में इसे मुझे छोड़कर आना। चलो आज एक बढ़िया राइड हो जाए भाई, गाड़ी रिपेयर होकर आई है तो इसी खुशी में एक मस्त राइड तो बनती है। तो यहाँ से राइट लेते हैं, बढ़िया वाला एकदम। यहाँ से लेफ्ट लेना है। देखो अभी मैंने कोई लाइट नहीं तोड़ी है, एकदम सारे रूल फॉलो करके मैं चला रहा हूँ। वो लाइट येलो थी, येलो पे मैंने क्रॉस कर दिया। बस, वेरी गुड। आओ भाई बैठो, 300-350 यूरो ये लोग मुझे देंगे। गाड़ी जितने की रिपेयर करवाई थी सारा पैसा वसूल हो जाएगा। गाड़ी थोड़ी सी मेरी गंदी हो रखी है, वॉश करवाने का अपने पास टाइम नहीं है, बट यार इतनी भी गंदी नहीं है, एकदम शाइन मार रही है। लेफ्ट से थोड़ा कीचड़ वीचड़ उछल गया, वो तुम्हारा भाई करवा लेगा, उसकी टेंशन मत लो भाई। अभी मैं बहुत अच्छे तरीके से एकदम रूल फॉलो करते हुए चला रहा हूँ भाई। मैप में बस मुझे कैमरास का ध्यान रखना होगा। ग्रीन लाइट है, यहाँ से मैं कट ले सकता हूँ। यहाँ से मुझे राइट साइड में जाना है, बहुत पतली स्ट्रीट्स है यार, कभी भी अचानक से राइट लेफ्ट आ जाता है और पता भी नहीं चलता। चलो 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 भाई, बहुत ही सही तरीके से हम लोग पहुंचने वाले हैं। यार इसको बहुत दूर छोड़कर आना यार, उस हिसाब से बंदा मुझे पैसे कम दे रहा है। चलो भाई साहब थोड़ा तेज चला लो, हम लोग पहुंचने वाले हैं इसकी लोकेशन पे। यार जो बंदा मेरे आगे गाड़ी चला रहा है ना भाई, सच में इससे ढीला बंदा कोई नहीं है। बट ठीक है, अब इसको हमें ज्यादा देर तक फॉलो नहीं करना। यहाँ से मुझे लेना है गोल चक्कर से लेफ्ट, तो ये है अपना राउंड अबाउट। यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट एक अच्छी स्पीड में। बट वेट, ग्रीन लाइट हो गई, नाइस। आज अच्छी किस्मत है भाई, रेड लाइट होती है ग्रीन लाइट हो जा रही है, हमें ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ रहा। 790 मीटर और रह गया, यहाँ से लेफ्ट लेना है, बट रेड लाइट है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। आज इस पूरी रेड लाइट का पालन सारे ट्रैफिक रूल्स में फॉलो करने वाला हूँ भाई। देखो हमने 3000 यूरो से स्टार्ट करा था, हमने 500 यूरो की राइड करी, 250 यूरो, 300 यूरो की राइड करी, ड्राइव करी, उसके बाद भी हमारे पास बचा है 2700। क्यों? क्योंकि हमने आधे ज्यादा नुकसान करा। वो भाई वो क्या कर रहा है भाई, इसका चालान काटो यार। नहीं तो भाई अचानक से मुड़ रहा है यार, हमारी बारी थी, ग्रीन लाइट हो गई अभी येलो भाई, फिर से रेड लाइट होगी। अभी मैंने बोला ही था भाई अपनी किस्मत अच्छी और येलो, खैर ठीक है ग्रीन लाइट हो गई। चलो भैया थोड़ा सा तेज चलाओ यार, इसके लेफ्ट से ओवरटेक मार देता हूं इसको मैं। हो फेल टू कंप्लीट आस्क द क्लाइंट पेशेंस। अबे तो मैं क्या करूं भाई, अभी रेड लाइट पर रुको तो दिक्कत।
मैं भाई क्या दिक्कत है यार, ये बहस की आंख ना, मैंने गाड़ी ठोकी, सारे रूल्स फॉलो करे, अब भाई वो बंदा लेट हो रहा है। ओए वेट वेट वेट, कैमरा कैमरा, ये कैमरा दिखता कैसा भाई? यहाँ पे बना हुआ है, दिखता नहीं है, बट कैमरा यही कहीं पे है, ये देखो यही कहीं पे पीछे कैमरा है, बस वो पता नहीं चल रहा, मैप में दिख जाता है। खैर ठीक है यार, आज का दिन अपना बहुत ज्यादा नुकसान का था टैक्सी लाइफ सिम्युलेटर में, बट ये है कि गाड़ी रिपेयर करवाने के बाद मैंने गाड़ी एक बार भी नहीं ठोकी, बहुत अच्छे तरीके से मैं गाड़ी चलाना सीख चुका हूँ। बट इस शहर के हिसाब से हमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होना पड़ेगा लोगों को अगर सही टाइम पर उनके डेस्टिनेशन पर छोड़कर आना है तो ठीक है यार, आज की वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको टैक्सी लाइफ सिम्युलेटर का ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को लगता है कि मुझे एक बारी और इस गेम में आकर अच्छे से ड्राइविंग कर लगभग 10,000 नहीं यार 10,000 ज्यादा हो गए, स्टार्टिंग में चैलेंज रखते हैं 4,000 यूरो का। एक काम करो, आप ही मुझे चैलेंज दो कि मुझे एक वीडियो में मींस नेक्स्ट वीडियो में कितने यूरो कमा के दिखाने हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान से। हां मतलब 10,000 यूरो मत बोल देना, इतना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो, भी मैं सच में कमा नहीं पा रहा हूं, नुकसान हो रहा है बहुत। टैक्सी चलाना आसान है, बट जिस शहर में इस टाइम पर हम लोग टैक्सी चला रहे हैं ना, यहां पर भाई बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मैक्सिमम रोड पे यू टर्न बहुत दूर दूर है, और बहुत सारे रोड सिर्फ और सिर्फ वन वे रोड है, मतलब उसमें एक ही तरफ गाड़ी जाते हो और उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तुम रॉन्ग वे ले लेते हो। तो हां सोच समझ के एक बढ़िया सा चैलेंज दो जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी, कितना मुझे पैसा कमाना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक करना, इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए, तो जाओ फटाफट से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है यार, उसे फटाफट से जाके दबा दो, क्योंकि हम लोग 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, जल्दी से जाएंगे 40 मिलियन, मजा आ जाएगा, जाओ दबा दो बटन। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।